दोस्तों आज हम इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा एक्सप्रेशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्रिएट करना है, इस चीज के बारे में। अब इन सब चीजों को एक साथ किसी सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करके एक परफॉर्मेंस तैयार करनी है, उस चीज को हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। और एक्टिंग की जो अगली जो सीढ़ी है, एक्सप्रेशन, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज, इनको समझने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि सपोज आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, तो उस सिचुएशन को आप अपने ढंग से डेवलप करके एक परफॉर्मेंस तैयार करें, या आपको कोई स्क्रिप्ट दे दी जाती है तो स्क्रिप्ट में लाइनें पढ़ के, डायलॉग्स पढ़ के, उनको अपने कैरेक्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस उसमें से निकालना, उसमें से इमोशंस निकालना, उसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। और इम्प्रोवाइजेशन में हम आज एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे एक सिचुएशन का, और बाद में हम अलग अलग मूड के लिए तीन चार अलग अलग जो बेसिक इमोशन होते हैं उनके मूड्स के लिए अलग अलग हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। तो जैसे कि मैंने एक सिचुएशन अपने आर्टिस्ट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने दी कि भाई पुलिस ने आपको पकड़ लिया किसी केस में और आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, इस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से एक्ट करो। कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं, आपके अपने डायलॉग हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग एक्टर सेम सिचुएशन को कैसे अलग अलग ढंग से इम्प्रोवाइज करता है और एक्ट करता है। और ये इम्प्रोवाइजेशन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर देंगे तो एक्टर का सेंस डेवलप होगा आपके अंदर, उसकी तरह एक्टर की तरह सोचने की एक समझ पैदा होगी कि भाई अगर मैं इस सिचुएशन में हुआ तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक सिचुएशन जो हमने अजय के साथ कुछ दिन पहले हमने उसको इम्प्रोवाइजेशन का दिया था कि भाई तुमको पुलिस ने पकड़ लिया है और तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने जो परफॉर्मेंस किया उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई वो क्या कैरेक्टर, क्या है, क्या वो फील कर रहा है, क्या उसके इमोशन है, तो वो हम देखेंगे। एक्शन। मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। वो लड़की का रेप से सर उसको क्या लेना देना सर? साहब मेरे को कुछ पता नहीं सर। झूठ बोलता है साहब? झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मैं क्या रेप करने के लिए पैदा हुआ साहब? जहाँ देखो मेरे को सर रेप के लिए बोलते रहते साहब। मैंने नहीं कुछ किया था मेरे को सर, सब मेरे को उन्होंने अपोर्ड किया था सर रेप करने का। आप सर साहब करा साहब, प्लीज साहब रेके कर रहा था साहब, प्लीज कर रहे हैं जल्दी बोल साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, थोड़ा तैयारी करो, देखो इतना मैं गुंडा लगता हूँ साहब, प्लीज साहब साहब मेरे को सर उन्होंने अपोर्ड किया सर रेप करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़की में सर जो लड़की थी ना सर वो बहुत भागा थे सर, मालूम है क्या आपको पता है क्या? वो ना जब देखो हर किसी लड़के को बोलते थे, तो इसलिए ना उसका रेप करके ना मालूम है क्या उसको ना सुधारने के लिए मेरे को बोला गया था साहब। तो उसने बोला रेप करने के लिए तूने कर दिया है? नहीं साहब आप समझना सर, थोड़ा जवान हुए साहब, इससे इतना मारेंगे ना समझ को आपको मारते थे साहब, मेरे को कम से लोग जब से लाया था मार ही रहे साहब, मेरे को मार करने के लिए कैसे परफॉर्म किया, कैसे उसमें एक कैरेक्टर को जनरेट किया, कैसे चीजों को फील करके एक इम्प्रोवाइजेशन किया और एक सिचुएशन क्रिएट किया। तो उसमें हमें यह दिख रहा था कि हाँ इस कैरेक्टर को पुलिस ने पकड़ा है, बट ये
कैरेक्टर जेन्युइन नहीं है, थोड़ा कमीना टाइप का कैरेक्टर है। बीच बीच में उसने कुछ दो तीन एक्सप्रेशन और कुछ डायलॉग्स ऐसे बोले जिससे पता चलता है कि बहुत काइया टाइप का, कमीना टाइप का कैरेक्टर है। और हाँ, क्या सोच के किया सर परफॉर्म करने के टाइम में? सर मैंने ये डिसाइड किया था कि कैरेक्टर को थोड़ा फनी बनाना है, एंड कैरेक्टर तो जेनर ऑब्वियसली जेनुइन तो नहीं है, पक्का कमीना इंसान है। वो दिख रहा है, वो दो तीन चीजें तुमने बोली ना, क्या साहब मैं मार खाने के लिए पैदा हुआ, क्या साहब मैं क्या रश कर सकता हूं, क्या मैं रेपी तो क्या साहब कोई टेररिस्ट तो नहीं हूं, और फिर एक डायलॉग क्या बोला तुमने, मैं क्या दुल्हन लगता दुल्हन लगता हूं क्या साहब। तो ये जो दो तीन डायलॉग बोले हैं इन्होंने, इन जो दो तीन डायलॉग्स ने वो कैरेक्टर में कमीना पर ऐड किया। अगर तुम ये नहीं डालते और वो सिंपल एक ही मूड में चले जाते तो ये दिखता कि शायद ये कैरेक्टर जेन्युइन है। तो ये तुमने फील किया था, ऐसा फील करके किया सर? ये मैंने फील किया सर। अच्छा, क्योंकि मैं लाइफ में थोड़ा रियल में कमीना हूँ। तो वो कैरेक्टर को कमीना बन तुमने दिया दिया। तो आपने देखा ये सिचुएशन इसने कैसे, मतलब किस तरह से परफॉर्म किया, किस तरह से इम्प्रोवाइज किया। तो अब सेम सिचुएशन अगर दूसरा एक्टर करेगा तो कैसे करेगा? अब दूसरे एक्टर की परफॉर्मेंस मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा एक सिचुएशन को हर एक्टर अपने अलग ढंग से परफॉर्म करता है, हर एक्टर का अलग थॉट होता है, और एज एन एक्टर हमें किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब जैसे यही सिचुएशन मैंने अपने दूसरे आर्टिस्ट से जो परफॉर्म कराई वो टोटली डिफरेंट है, तो वो आप एक बार देख लो। एक्शन। वो साहब आ गए। सर मुझे एक्टिंग करिए सर, मुझे इस फेस में फंसाया जा रहा है सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस उस रास्ते से जा रहा था सर, मुझे सिर्फ पता प्लीज सर मेरा यकीन करिए सर, मैंने कोई गलती तेरा यकीन करे सर, झूठ बोलता है, आपका पैर क्यों था, झूठ बोलता है, सच बता क्यों किया तूने ये सब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे फंसा रहे तुझे सर, प्लीज मैं यकीन करिए सर, मैं बस उस रास्ते से जा रहा था सर। क्या करने गया था वहां पे? सर मैं गया था सब्जी लेने सर। अच्छा, तो सब्जी लेने वो रास्ते से जाता तू? यस सर, वहां ट्रैफिक कम रहता है इसलिए सर मैं उधर से गया था। अच्छा, तू बोलता साले तेरी प्लानिंग थी, तू वहां से जाएगा और ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके इसके बारे में सर, सच बोल रहा हूं। खूब मारा तुम्हारे को ना सर, मर गया था, मर गया था, मर गया सर, मर गया सर। तो अभी आपने दूसरी परफॉर्मेंस देखी कि सेम सिचुएशन मैंने राज को दी परफॉर्म करने के लिए, तो इसने कैसे किया? इसका कैरेक्टर देख के लग रहा है कि नहीं यार ये तो बड़ा बेचारा सा इंसान है, गरीब सा इंसान है, और ये जेन्युइन है, और इसको जबरदस्ती किसी ने गलत फंसा दिया, और इसके टोटल जो एक्सप्रेशंस में बॉडी लैंग्वेज में वही दिख रहा है कि नहीं ये बहुत जेन्युइन है, बहुत मजबूर है, और इसको जबरदस्ती फंसा दिया गया। तो तुमने क्या सोच के परफॉर्म किया, कैसे किया? जब आपने मुझे सिचुएशन दिया तो मैंने उस चीज को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने सोचा कि अगर सच में मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, और फिर मैंने उस चीज़ को फील करना स्टार्ट किया। जैसे फील करना स्टार्ट किया तो चीज़ें अपने आप आती जा रही थी, फिर मैंने उस चीज़ को, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था मुझे क्या करना है, अपने आप चीज़ें हो रही थी, फिर करता गया मैं, और मज़ा भी आया काफ़ी, और थोड़ा लाइफ में मैं इमोशनल भी हूँ, इसका मुझे बेनिफिट मिला है यहाँ पर। हाँ नहीं, वो दिख रहा था जब तुम कर रहे थे ना तो तुम्हारी ऐसा लग रहा था कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है। यस। तो देखा आपने दो लोगों ने सेम परफॉर्मेंस को कितना डिफरेंट एक फॉर्म दिया। एक आदमी ने उसी सिचुएशन में अपना एक कमीनापन डाल के एक फनी टाइप का सिचुएशन बना दिया, एक आदमी ने उसी को एक सीरियस जोन में ले गया और अपने आप को एक बहुत जेन्युइन और बेचारा कैरेक्टर बना दिया। तो ये दिखाने का मेरा मतलब ये है कि हर एक्टर का अपना अलग थॉट होता है, हर एक्टर एक चीज को अलग ढंग से परफॉर्म करता है, अलग ढंग से इम्प्रोवाइज करता है। तो अगर आपको भी परफॉर्म करना है, इम्प्रोवाइज करना है, तो अपना थॉट लेके चलो, किसी को कॉपी मत करो, किसी का रेफरेंस लेके मत चलो। तो अभी आपने देखा कि एक सेम सिचुएशन को दो एक्टरों ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो अभी क्या करना है कि आप लोग भी इस तरह से कोई सिचुएशन लेके उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं।
कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। सपोज आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो गई, आपका पर्स गुम हो गया, या कुछ आपका नुकसान हो गया, या आपने आपकी गाड़ी पुलिस वाले ने पकड़ ली, एक्स वाई जेड कुछ भी आप सिचुएशन ले सकते हैं, एंडलेस जो आपके दिमाग में आए। कि भाई आप अलग अलग कैरेक्टर को सोच सकते हैं कि सपोज अगर मैं एक डॉक्टर होता कैसे बिहेव करता, मैं एक इंस्पेक्टर होता तो कैसे बिहेव करता। तो इस तरह से होगा क्या कि जो भी एक्सप्रेशन इमोशन अभी तक हमने सीखा है उसको यूज करने का एक प्रैक्टिस होगी, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का, किस तरह से एक परफॉर्मेंस में डालना है वो एक प्रैक्टिस होगी, और एक एक्टर का सेंस डेवलप होना शुरू होगा कि हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो हम कैसे बिहेव करते। और ये जो है इफ, इसको हम बोलते हैं मैजिक इफ, जो एक्टिंग की भाषा में, जो इंस्टीट्यूट में इसको हम मैजिक इफ के नाम से जानते हैं लोग, कि इसका मतलब होता है कि अगर मैं वहां होता तो क्या करता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो ये सोच डेवलप करना जरूरी है, और उसके लिए अब आपको इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन लेके उनको एक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी हो, अच्छा बुरा। सपोज आपने ड्रिंक कर लिया, आपको चोट लग गई, आप थक गए भागते भागते, आप बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपसे किसी ने रिश्वत मांग ली, बहुत सारी सिचुएशन, और एक एक सिचुएशन आप प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, देखिए, तो एज एन एक्टर आप में इम्प्रूवमेंट होना शुरू।